तो जैसा कि अभी आप देख पा रहे होंगे फीडर में जो है एक छोटी सी प्रॉब्लम आई हुई है। तो ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगा, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे तो जो स्टिक्स है, थोड़ा सा मैं बंद करके दिखाता हूँ, तो जो स्टिक है वो नीचे की तरफ जा रही है लेकिन वो आगे नहीं बढ़ पा रही है। तो उसका रीज़न क्या होगा, जैसा कि एक बार मैं और आपको चला के दिखाता हूँ। तो ये हमने मशीन चालू की, चालू करने के बाद ये फीडर हमने चालू किया और फीडर चालू करने के बाद आप देखिए जो स्टिक है वो आगे नहीं बढ़ पा रहा है, मतलब आगे जिसको रोलर के पास आना चाहिए वो नहीं जा पा रहा है। तो उसका रीज़न क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ। काफ़ी सारे लोग ये क्वेश्चन करते हैं कि हमारी स्टिक यहीं नीचे में फंस जाती है और आगे नहीं जाती है, तो इसका सोल्यूशन क्या होगा वो मैं बताता हूँ आपको। तो जैसा कि ये हमारा रोलर है और रोलर को आप देखिए कि ये जब स्टिक्स आगे बढ़ती है तो इनके साथ में ये भी मूव करती है, मतलब इसका भी अप डाउन का जो सिस्टम होता है वो भी होता है। अगर ऐसा ना हो, मतलब ये मूव ना हो, एकदम फ्री हो जाए, तो उसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले ये स्टिक आपको खाली करनी है। स्टिक खाली करने के बाद आपको नीचे की तरफ देखना है, दरअसल इसका जो प्रॉब्लम है वो नीचे से ही होता है। तो ये मैंने फीडर जो है अभी उल्टा कर लिया है और थोड़ा सा चला के मैं दिखाता हूँ। तो ये मैंने मशीन चालू कर लिया, अब यहाँ से मैं फीडर चालू करता हूँ। तो देखिए यहाँ पर क्या है, एक स्प्रिंग्स लगी होती है जो कि इसको टेंशन देके रखती है, मतलब जो मूवमेंट होता है वो स्प्रिंग की वजह से होता है, जिससे क्या है रोलर, दोनों जो रोलर है, मेटल रोलर और रबर रोलर, वो आपस में चिपकता है और चिपकने की वजह से जो बैम्बू स्टिक है वो आगे की तरफ बढ़ता है, लेकिन उसमें ऐसा नहीं हो रहा है, वो स्टिक जो है वो नीचे बैठ जा रही है और आगे नहीं जा रही है। उसका रीज़न क्या होता है, तो यहाँ पर आप ध्यान देंगे कि इन दोनों जगहों पे एक जो है स्प्रिंग्स लगी होती हैं, जैसा कि आपको दिख रहा होगा। तो अभी स्प्रिंग्स लगी नहीं हुई है और ये टूट के कहीं गिर चुकी है, तो ये काफ़ी सारे लोगों को प्रॉब्लम होता है और ये समझ नहीं पाते। तो इसके लिए आपको क्या करना है, जो स्प्रिंग्स हैं जिसका डिस्टेंस है आपको उसी डिस्टेंस में, और आपको और किसी चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, स्प्रिंग आपको ले लेनी है। अगर आपको रिसेंट में स्प्रिंग नहीं मिलती, क्योंकि इसके लिए आपको मार्केट जाना पड़ेगा, फिर लाना पड़ेगा, फिर लगाना पड़ेगा, उसके लिए आपको एक जुगाड़ में बताता हूँ जिससे आपका काम आसानी से चल जाएगा। आपको ज़रूरत पड़ेगी कुछ इस तरीके की रबड़ की, जैसा कि आपको दिख रहा होगा, तो कुछ इस तरीके की दो नंबर की रबड़ आपको ज़रूरत पड़ेगी। तो मैं ये ले लेता हूँ, ये रबड़ आपको, तो इस तरीके की आपको एक मोटी रबड़ लेनी होगी जो आप दो नंबर साइज़ में आप ले सकते हो। अगर ऐसा नहीं है तो आपको क्या करना है, जो दो नंबर साइज़ की रबड़ होती है उसको आपको दो से तीन राउंड कर लेना है, मतलब उसको थोड़ी सी मोटी कर लेनी है, और मोटी करने के बाद उसको दो राउंड के साथ में फैला के लगा देना है। तो इसे मैंने इस तरीके से डबल कर लिया और उसके बाद जो है इसे आप सीधा सीधा फिक्स कर दीजिए, तो क्या होगा ये टेंशन में आ जाएगी। और इसमें क्या है, ये काफ़ी टाइम तक भी चलेगा, इसमें प्रॉब्लम नहीं होता। जब भी रबड़ ख़राब हो आपको फिर से रबड़ लगा लेनी है, स्प्रिंग की झंझट नहीं होगी, क्योंकि स्प्रिंग जो है काफ़ी ज़्यादा टूटने का प्रॉब्लम इसमें होता ही है, क्योंकि ये कंटिन्यू मूव करती रहती है, जिनकी वजह से स्प्रिंग जो है अच्छे से नहीं चल पाता। अब एक बार मैं आपको चला के दिखाता हूँ। तो ये मशीन चालू कर लिया, ये फीडर चालू कर लिया, अब देखिए इसमें जो है प्रॉपर टेंशन आ चुका है। तो इसी तरीके से इस प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर सकते हो। तो अब मैं इसको सीधा करके आपको दिखाता हूँ। इन छोटी छोटी चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है, नहीं तो आप प्रॉब्लम को समझ ही नहीं पाएंगे और परेशान होते रहेंगे। ये बैम्बू हमने डाल लिया, हमारा प्रॉब्लम था कि ये मूव नहीं हो रहा है। अभी देखिए आप एकदम फ्लेक्सिबल हो गया, मतलब हार्ड हो गया बहुत ज़्यादा। अब मैं थोड़ा सा स्टिक आपको चला के दिखाता हूँ। जैसे कि मैंने चालू कर लिया, चालू करने के बाद ये फीडर भी मैंने थोड़ा सा ऑन कर लिया। अभी आप देखिए किस तरीके से चल रही है, तो इसका प्रॉब्लम यही होता है। तो इसको आप समझिए और इस तरीके से जो है आप अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। और फीडर में आपको कहीं भी छेड़खानी नहीं करना है। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं,
ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, प्रॉब्लम यहाँ होती है लेकिन हम किसी दूसरी जगह को छेड़ देते हैं, लेकिन उससे होगा क्या, आपका जो दूसरे उससे होगा क्या, जो आपकी प्रॉब्लम नहीं होगी वो भी प्रॉब्लम होने लगेगी। तो ऐसा नहीं करना है आपको। अगर यहाँ पर स्टिक रुक रही है, आगे नहीं बढ़ पा रही है, तो उसके लिए आपको जो नीचे का जो रबड़ है या फिर स्प्रिंग आपको चेंज करनी है, फिर आपका जो है प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। देखिए कि अच्छे तरीके से ये बहुत ही अच्छे तरीके से ये चल रही है। अभी स्पीड में आपको बढ़ा के दिखाता हूँ। इतनी अच्छी स्पीड में चल रही है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये प्रॉब्लम आपको समझ में आया होगा, और इसी तरीके के और प्रॉब्लम सॉल्विंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले किसी नए प्रॉब्लम के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।